सत श्री अकाल, मैं हाँ चंचल मनोहर सिंह, तुसी देख रहे हो अमृत प्रसार। आप सब जी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आप जी नू गुजारिश है, जेकर तुसी हुण तक इस चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया तो इस नू सबसक्राइब करो, इस दा बैल आइकन बटन दबो अते इस नू अपने मित्रां ते साख संबंधियां नाल भी सांझा करो। इस नू वध तो वध इस वीडियो नू भेजो तां जो लोकां नू जिहड़ी निरपक्ष पत्रकारी है, निडर पत्रकारी है, उसकी एक किस्म की जान हो सके। मुद्दा है कि कांग्रेस के लीडर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान नाल बेलोड़ी तू तू मैं कर रहे हैं। मुद्दा है कि मुख्तार अंसारी जो पंजाब की रोपड़ में जेल में 2 साल रहा अते उसनू पंजाब सरकार बजिद होके इत्थे रख रही सी, उदा पिछोकड़ की है। इस जड़ी मैं इहदियां परतां खोल के तुहानू दसांगा कि अंसारी दे खानदान दा कांग्रेस नाल सिद्धा संबंध है और उसनू इत्थे किवें रख्या गया, इस दा भेद मैं तुहानू वीडियो दे विच दसांगा। कुछ मैं जिहड़े तत्थ पेश करांगा उहदे तों तुसीं आप अंदाजा ला लोगे, पर इह वीडियो नूं तुसीं अखीर तक देखियो तां जो तुहानूं बड़ियां नवीआं विलक्षण गल्लां पता लगणगीआं। जिहड़ा मुख्तार अंसारी दा दादा मुख्तार अहमद अंसारी इह इंडियन नैशनल कांग्रेस दा प्रैजीडेंट रिहा, इस तो तुसी देख सकते हो कि जिदा ग्रैंड फादर दादा जिदा कांग्रेस का नैशनल लैवल का लीडर सी, प्रेजिडेंट रहा, उस परिवार के खानदान के कांग्रेस नाल किन्ने गूढ़े संबंध होंगे। गल इत्थे ही नहीं लभना, यह है कि कांग्रेस ने इत्थे इसलिए रखा कि उन्होंने दिल्ली तो हाई कमांड चो किसी ने टेलीफोन किया कि किसी तरह मुख्तार अंसारी जो सियासतदान सी और बाद गैंगस्टर बन गया, 5 बारी MLA बनया, उसनू पंजाब दी किसी जेल में रखा जाए। तो इसका फैसला जेड़ा सीगा वो उस समय दे यानी तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तो इलावा होर कोई नहीं लै सकता। कोई भी बड़ा कांग्रसी लीडर मुख्तार अंसारी नू पंजाब दी जेल विच बचा के रखने लई कदी भी सुखजिंदर रंधावा नू जो कि उस समय उप मुख्यमंत्री सी उन्हां नू कोई भी सीधी टेलीफोन नहीं करेगा। यह गल बड़ी स्पष्ट है और रंधावा जी भी इस गल तो मुकर नहीं सकते कि एड्डा वड्डा गैंगस्टर जिदे ते 45 केस होण वो पंजाब दी जेल च 2 साल रख्या होवे ते उन्हां दी मर्जी तो बिना रख्या होवे जेल मंत्री, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। उसनू केड़ी जेल च रखना है इहदा फैसला भी चाहे वर्बल तौर पर कन्वे किया होवे जां जिवें भी लिया होवे कि उहनू रोपड़ दी जेल च रखना, क्योंकि रोपड़ दी जेल थोड़ा समय पहले ही बनी है, उहदे विच सारियां सहूलतां अते वधिया खाणा और उहदे होर शौक जिहड़े सीगे जिहड़े इहो जिहे गैंगस्टरां दे हुंदे हन ते उह भी पूरे कीते गए। उह दुनिया दीआं चंगीआं खूबसूरत चीज़ां नूं भी पसंद करदा सी, क्योंकि दिल्ली तों टैलीफोन आया सी, दिल्ली तों सिफारिश आई सी, जिस करके यूपी दी गौरमेंट ने 13 चिट्ठियां पाईयां ते अंसारी नूं वापस मंगया कि उसनू यूपी सरकार नूं वापस दिता जाए। सरकार ने अमरिंदर सिंह दी सरकार ने अमरिंदर सिंह दी मर्जी तो बिना नहीं वकील किते। उस समय दा जिहड़ा एडवोकेट जनरल सी वह भी दिल्ली तो आया सी और वो अमरिंदर दे केस पहले दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से लड़दा सी ते उस नू इत्थे लियांदा गया अते उहदी सलाह नाल ही ये वकील कीते जांदे सन
जिन्हां नूं इन्नियां मोटियां रकमां दित्तियां गईं। भगवंत मान ने इस फाइल नूं वापस भेजता, हले तक 55 लाख की पेमेंट नहीं हुई, पर भगवंत मान ने एक चर्चा छेड़ दी कि जे 55 लाख रुपया देना पेगा तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की जिहड़ी MLA रिटायर की तनखा है उहदे चों कट लिया जाएगा, और इसी तरह ही रंधावे की जिहड़ी हुण MLA की उन्होंने तनखा मिलती है उहदे विचों कटौती की जाएगी। ये जिहड़ी की करना गौरमेंट ने ये बारे हले कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई बार सियासतदान कई गल्लां कर देंदे हन अते बाद यू टर्न भी लै लैंदे हन, कुछ भी नहीं करते। ये जिहड़ा बेलोड़ा यानी दोनों पासे गलबात चल रही है उहदे विच जो मैं तुहानूं इहदी पिछोकड़ दस्सिया कि अंसारी का पिछोकड़, क्योंकि अंसारी बहुत वड्डी चंगे खानदान नूं बिलोंग करदा है। इस दा जिहड़ा भरा सीगा उह ब्रिगेडियर रिटायर होया फौज चों, इह भी पढ़ाई लिखाई च अच्छा सी पर इह दूसरे पासे चल पिया। इस प्रकार एक कांग्रसी इस गल तो नहीं मुकर सकते कि दिल्ली तो जो सिफारिश आई सी उहदे करके रखा गया। हुण दिल्ली तो सिफारिश की सी, अंसारी मुख्तार अंसारी नूं इह खतरा हो गया कि योगी नित्यानाथ जो UP दे चीफ मिनिस्टर हन उह गैंगस्टरां नूं किसी ना किसी बहाने किसी एनकाउंटर विच मार देंदे हन, मरवा देंदे हन, जिवें कि अतीक अहमद ते उस दे साथी नाल होया। उन्हां नूं रात नूं हॉस्पिटल च मैडिकल लई लियांदा, उत्थे प्रेस भी रखी और प्रेस दे सामने दो नौजवानों ने क्लोज रेंज फायरिंग करके उन्होंने मारता। उस तो पहले कुछ दिन अतीक का बेटा मारिया तो उसका साथी मारे। सो ये जिहड़ा सारा खतरा मंडला रहा सी कि अंसारी नूं भी इस तरह खत्म ना किया जाए, तो उस दे कांग्रसी खानदान ने जिन्हां दे हुण भी सीधे लिंक कांग्रेस विच आ, उन्होंने ने इकरा लभिया अते उन्होंने दिल्ली तो कांग्रेस हाई कमांड विचों कहा जाता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं सिफारिश फराई, उहदे लई स्पैशल कमरा जेल विच तैयार किया गया, उहदे च हर तरह की सहूलत दी गई और मतलब उत्थे AC भी लवाए गए, सब तरह दीआं सहूलतां दित्तियां गईआं, उहनूं मिलण वालेआं ते कोई रोक नहीं सी। सो जिहड़ा 55 लाख रुपया उस नूं इत्थे 2 साल रखण लई खर्चा गया, तुसीं सोच सकते हो कि कोई भी सरकार इन्ने पैसे क्यों खर्च रही है, उहदी की लोड़ सी पंजाब च, वह किहड़े क्राइम च चाहिदा सी। सरकार कोल कैप्टन अमरिंदर सिंह और रंधावा जी कोल इन्हां गल्लां दा कोई जवाब। हुण जेकर आम आदमी दी सरकार आण तो पहले ये पेमेंट हो जांदी ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੋ ਤੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੱਭਤਾਂ ਖੋਜਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰਲੇ ਭੇਜ ਦੱਸੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੰਡਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ 40 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਸੀ UP ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀਗੀ ਪੂਰੀ, ਲੈਂਸ ਸੀਗੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੈਪਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ UP 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੱਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ 5 ਵਾਰੀ MLA ਬਣਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਚਾਹੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿ 2009 ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਲੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਲੜੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ BJP ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ।
ਇਹ ਬੀ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ 17,211 ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਦਾ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਾਇਆਵਤੀ ਯਾਨੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੱਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ? ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯਾਨੀ ਜੁਮਲਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ, ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਸਦੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਦੱਸੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲਿਆਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਚਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਨਿਡਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਝਲਕ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ।